नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूसा मनोहारी आम की। पूसा मनोहारी आम को पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है, पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली। मनोहारी आम एक हाइब्रिड आम है, इस जैसे कि हमारा लालिमा है, अरुणिका है, अंबिका है, इसी तरह से ये पूसा मनोहारी भी एक हाइब्रिड आम है। इसको आम्रपाली और लाल सुंदरी के क्रॉस से इसको बनाया गया है। जैसे कि आम्रपाली के बारे में आप जानते हैं कि ये दशहरी और नीलम का क्रॉस है, उसी तरह से और लाल सुंदरी जो एक मतलब दक्षिण भारत या कहेंगे उड़ीसा साइड होता है, लाल सुंदरी रेड रंग का बिल्कुल मैंगो होता है, अच्छा मैंगो मीठा, उसी दोनों को आम्रपाली और लाल सुंदरी के क्रॉस से इसको बनाया गया है। जो कि जब हाइब्रिड मैंगो से बात करते हैं, जैसे जितने भी पूसा इंस्टीट्यूट जब बनाया जाता है तो ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये हमारे जो पौराणिक आम हैं, जो हमारे जो पहले से आम चले आ रहे थे, लंगड़ा चौसा इस तरह से जो आम होते हैं, बम्बैया, ये एक साल फलते हैं एक साल नहीं फलते हैं, और शायद बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इसी तरह तो वैज्ञानिकों ने ये हमारे जो वो जो आम जो चलते आ रहे हैं वो आम ट्रेडिशनल आम, और जो अभी जैसे हमारे जैसे जो क्रॉस ब्रीड से है हाइब्रिड में, उनको क्रॉस करके जो वैरायटी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे ताकि अच्छा छोटा पेड़ हो, मध्यम आकार का फल पेड़ होता है, जैसे सघन बनवाली इसकी बागवानी हम कर सकते हैं, और फल जो नियमित फलन होता है, बीमारियों से सुरक्षित हो, इसी टाइप से इसको भी बनाया गया लाल सुंदरी, मतलब ये हमारा जो आम है मनोहारी, पूसा मनोहारी आम। अब बात कर लेते हैं इस पूसा मनोहारी आम के बारे में, तो रेड रंग का आम होता है, रेड और पीला, लेकिन बहुत प्रीमियम आम है, बहुत मीठा और बहुत अच्छा कलर, और जिस तरह से लाल सुंदरी उसी टाइप से कलर लेता है, और स्वाद के मामले में बहुत बेहतरीन आम है ये। TSS 19 के बराबर 19 TSS होता है, मीठा आम है काफ़ी। और फिर जहाँ तक बात कर ले पेड़ का, मध्यम आकार का पेड़ होगा, इसके सघन बागवानी कर सकते हैं, इसका पेड़ हम लगा सकते हैं 6x6 यानी पौधे से पौधे की दूरी 6 और लाइन से लाइन की दूरी 6 मीटर में इसको लगा सकते हैं। और ये तो पता है कि रेगुलर बेयरिंग, और साइंटिस्ट क्या करते हैं ये हाइब्रिड आमों में इस तरह से इसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, विटामिन ए डाल देते हैं, बीमारी से जैसे कि गुच्छा रोग वगैरह बीमारी से लड़ने के बहुत सारा इसमें डाल देते ताकि ये इसमें कोई जल्दी बीमारियाँ नहीं लगती, ताकि ये बनाते हैं हमारे किसान जो हैं वो इसके साथ बागवानी करें, बहुत जिनके पास कम ज़मीन है वो भी इसके बागवानी करके बहुत अधिक से अधिक फलन ले सकते हैं, और हर साल आता है तो हमारा खेतों भी खाली नहीं रहेगा, तो इस तरह और इनको ज़्यादा फायदा होगा। और जो कलर मैंगो है तो इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में कलर मैंगो का ज़्यादा प्रचलन है, और इनका कीपिंग क्वालिटी है, 10-10 दिन तक हम इनको तोड़ के रख सकते हैं, तो ताकि तो ख़राब नहीं होगा, तो किसान कुछ दिन अगर रहेगा भी तो उनके पास तो ये ख़राब नहीं होगा, इस तरह से इसको बनाया गया था। बाकी आम तो ये और ये पूसा मनोहारी आम को आगे जानने के लिए और किसी आम के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में और किसी आम की मैं जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।